Assalamualaikum guys and welcome back to another vlog. मैं हूँ सना भट्ट और ये है मेरा चैनल द फैम यूके ब्लॉग. तो आज है 28 सितंबर एंड आज होने जा रहा है हम अवार्ड्स. लेकिन अभी फिलहाल मैं आई हूँ वेम्बली हिल्टन होटल टू अटेंड द रेड कार्पेट इवेंट. हाँ गाइज, तो यहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज अभी गैदर हो जाएंगे, अंदर जाएंगे, फोटोज लेंगे. लेट्स सी हाउ इट गोज. आई हैव नेवर बीन ऑन अ रेड कार्पेट इवेंट बिफोर, सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड यू गाइज, इफ यू वांट टू स्टिक अराउंड, स्टे टू द एंड सो यू कैन सी ऑल द लवली लवली ड्रेस अप सेलिब्रिटीज. एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू गेट अ बिट ऑफ अ इंटरव्यू एवरीबॉडी. थैंक यू. Yeah guys, they're clear. This is all backstage still happening. इधर आपको मैं आ जाऊंगा 24 हां 24 आपकी जरूरत नहीं है, वो हमें नहीं चाहिए. कैमरा हमें आ रहा सिर्फ ये पर्पस है. I am so glad I'm here. It's like oh my god. ये देख लें गाइस क्या क्या हो रहा है. हाँ ये देखो अली अंसारी backstage. So much better on screen to tell you the truth. What a great, great opportunity. Alhamdulillah. Look at this. All backstage happening. This is just absolutely amazing. My God, look at that. He's getting ready with his brown coat on. Guys, let me just sit down. What an experience. Honestly, just coming here, going backstage and just seeing everyone, how things are done. What a lovely, lovely setup. Itna maza aa raha hai. Abhi to start bhi kuch nahi hua, abhi to stars bhi nahi aaye. Sirf do hai, ek ladki jiska mujhe naam waise pata nahi, waise pata hona chahiye jab se aisi jagah pe aap aa rahe ho. Humko pata hona chahiye kaun kaun hai. Aur ek jaise maine aapko dikhaya Ali Ansari. ये कोई है देखिए. Yeah. Who are you wearing today? I'm wearing Humayun Ali. Yeah. Wow. And you're looking very handsome. Thank you. Okay. Are you nominated today? No, I'm not in the nominations for tonight. Inshallah, next time. But I'm hosting the red carpet. Oh, nice. Yep. So I'm going to be interviewing all the nice celebrities tonight. They're looking great. Everybody's pretty hyped being in London. Nominations are good. The hosts are pretty much on point, and the performances are going to be great. So look forward to it. Thank you. ऐसे डेले भाड़ भाड़ भी कर रहे हैं. लव इट. गाइस, इट इज गोइंग एब्सोल्युटली क्रेजी. लाइक ऑनेस्टली, इतने सारे लोग. मैं ऐसे बताऊं कि मैं एक चीज़ सोच रही थी, ठीक है, आज यहाँ पे कितने लोग. ये देखो ये देखें जी.
This side? This side. This side. Right side, no? No, 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 this side. हाँ जी गाइस, तो मैं कह रही थी बेसिकली कि हम कितने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ये सेलिब्रिटीज़ को देखने के लिए. हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम खुद इतने इस मुकाम पे पहुँचे कि लोग हमें देखने आए. सीरियसली मैं सबकी वीडियोज़ बना रही हूँ उनसे, चलो थोड़ा बहुत बात हो रही है, फ़ोटोज़ बन रही हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा गाइस जो आना चाहिए. बिकॉज दिस सम लाइक मैं क्या कह सकती, बाद में हमको रिव्यू हो गया 100%. आई एम बात और उनकी बीवी जिनका कल फोटोशूट हो रहा था ना, उस खबरें ने उनका यहाँ पे टीवी चल रहा है, आगे देखने कि हाउ बिजी इट इज़. अच्छा ये कौन है, यमुना जैदी आई थिंक इज़ कमिंग इन नाउ गाइस. यहाँ पे अभी वो बड़ी चीख मारी है किसी ने और हम देख रहे हैं कि कौन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं. एंड आई वंडर हु इज आतिफ असलम. सबसे ज्यादा ऐसा तो इस्तकबाल किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस का नहीं हुआ जो इधर आतिफ असलम का हो.
गाइस अब तकरीबन 7 बज चुके हैं, तो आई थिंक ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ वापस चले गए हैं, क्योंकि हम अवार्ड्स 8 बजे शुरू हो जाना। अब देखो ये पाकिस्तानी टाइम पे चलते हैं या ब्रिटिश टाइम पे चलते हैं, ये ज़रा पता करना मुश्किल बात है, लेकिन ये आप देख सकते हो कि फ़िलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ज़रा क्वाइट हो गया ज़्यादा, अल्लाह ओह अल्लाह किस किस्म के लोग हैं। आतिफ असलम तो आई थिंक पीछे के रास्ते से ही निकल गया, उसका तो पता भी नहीं चला, आया तो बड़ा ज़ोर और शोर से था और उसके बाद बहुत 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 नीचे तरीके से निकल गया। आई थिंक खानिया आमिर ने अभी आना है, वो सिर्फ 2-3 मिनट के लिए आएगी एल्ट्राम शो। मज़ा आया लेकिन इट वॉज़ वेरी वेरी बिजी, इट्स समथिंग पर्सनली विच आई वुडंट डू अगेन माई सेल्फ, आई वुड रादर वर्क हार्ड एंड गेट ऑन टू द अदर साइड देन बी ऑन दिस साइड एंड टेक द वीडियोज एंड पिक्चर्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ।